टेस्ट क्रिकेट में सलामी जोड़ी की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर सलामी जोड़ी क्रीज पर टिक जाए तो वो मैच का रुख बदल सकती है, जिसके चलते टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में कई ऐसे बड़े ओपनिंग पार्टनरशिप के रिकॉर्ड बने भी हैं और टूटे भी हैं। आज हम इस वीडियो में इंडियन टीम के दो ऐसे खिलाड़ी के टेस्ट क्रिकेट में बनाई गई पार्टनरशिप रिकॉर्ड के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे तोड़ने में खिलाड़ियों को 52 साल लग गए। हम बात कर रहे हैं 1956 के उस टेस्ट मैच की, जब भारतीय टीम के दो ओपनिंग बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के खिलाफ चेन्नई में मद्रास के कॉरपोरेशन स्टेडियम में एक ऐसी पार्टनरशिप बनाई थी जो उस समय बहुत चर्चित रहा। न्यूजीलैंड टीम के साथ मैच के दौरान उस समय की भारतीय टीम के टेस्ट क्रिकेट की सलामी जोड़ी पंकज रॉय और वीनू मांकड़ ने बेहतरीन बल्लेबाजी दिखाते हुए 413 रन की शानदार साझेदारी बनाई थी, जिसमें पंकज रॉय के बल्ले से 173 रन और वीनू मांकड़ के बल्ले से 231 रन निकले थे, जिसके बाद 52 साल तक इस भारतीय सलामी जोड़ी के रिकॉर्ड को कोई नहीं तोड़ पाया था। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए हैं, और पंकज वीनू का यह रिकॉर्ड 2008 में साउथ अफ्रीका की सलामी जोड़ी नील मैकेंजी और ग्रीम स्मिथ ने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच के दौरान 415 रन की बेहतरीन साझेदारी बनाकर तोड़ दिया था, जिसके बाद पंकज और वीनू इस रिकॉर्ड में दूसरे नंबर पर आ गए। इस सलामी जोड़ी के रिकॉर्ड में तीसरे नंबर की जोड़ी की बात की जाए तो भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ की। इन दोनों खिलाड़ियों ने 2006 में पाकिस्तान के साथ टेस्ट मैच के दौरान ओपनिंग करते हुए 410 रन की बेहतरीन साझेदारी बनाई थी। अब देखना यह है कि किस टीम का कौन सा खिलाड़ी इन रिकॉर्ड्स को तोड़ पाता है। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मीडिया।